हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय प्रवीण पांडे। मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के लिए हमेशा की तरह एक नया टॉपिक लेकर, जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम में थोड़ी हेल्प हो सके, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स आगे कंडक्ट होने वाले हैं। इसलिए मैं रोज़ नए टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जिससे आपका रिविज़न हो सके, जिससे आप तैयारी अच्छी से कर सके और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर गेन कर सकें। सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज इफ़ एनी सर्किट विच कंटेन्स कैपासिटेंस ओनली। इट मीन्स दैट कि ऐसी कोई सर्किट है, अल्टरनेटिंग सर्किट, जो केवल कैपेसिटर को कंटेन करती है या जिसमें केवल कैपेसिटर ही लगा हो, तो वो सर्किट कैसा बिहेव करती है, कैसे बिहेव करती है, क्या करती है, उसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। उसमें करंट कैसे चलती है, वोल्टेज कैसे चलती है, उसका फेजर डायग्राम हम लोग आज देखेंगे। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक, ओके स्टूडेंट्स। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास एक सर्किट है, अल्टरनेटिंग सर्किट है, उसमें एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है और इसमें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T फ्लो हो रहा है। अब तो आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं और वो हमेशा लगातार वो चार्ज होती है और डिस्चार्ज होती है, चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, और फिर से अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो रही है और डिस्चार्ज हो रही है, जिससे करंट का फ्लो कंटिन्यूसली बना हुआ है इस सर्किट में। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इस सर्किट में जिसमें केवल कैपेसिटेंस है और उसमें किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पर चार्ज क्यू है और कैपेसिटेंस उस सर्किट का सी है, तो उस कंडीशन में हम लोग वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू वी नो दैट V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी एंड वी ऑल्सो नो दैट V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस V की वैल्यू जो है इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, देन क्यू इज इक्वल टू सी V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ द इंस्टेंटेनियस करंट इन दिस सर्किट, नाउ द इंस्टेंटेनियस करंट इन दिस सर्किट I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, और Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड से अगर हम पुट कर देंगे तो I इज इक्वल टू डी बाई डी टी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, नाउ वी कैन राइट इट I इज इक्वल टू सी वी नॉट डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्योंकि आप मैथ्स वाले स्टूडेंट्स इसका डिफ्रेंसिएशन जानते होंगे कि डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसी के अनुसार डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी एंड ओमेगा टी का अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो ओमेगा हो जाएगा। नाउ इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस, आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। वी कैन ऑल्सो राइट आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. नाउ वी कैन ऑल्सो राइट इक्वेशन ऑफ करेंट ऑफ दिस सर्किट इज वी नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी. इट इज ऑल्सो लाइक वी अपॉन आर बिकॉज वन अपॉन ओमेगा सी ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है वन अपॉन ओमेगा सी. तो वी नॉट पोटेंशियल है, वन अपॉन ओमेगा सी रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस इज अ करेंट. सो आई नॉट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. Now, the equation of current of the circuit which contains capacitance only is I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. It means that कि अगर कोई circuit है only capacitance को contain कर रही है तो उसमें current voltage से pi by 2 degree lead करेगा. It means that कि अगर सर्किट में कैपेसिटेंस है तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलेगा. या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इफ अ सर्किट कंटेन्स कैपेसिटेंस ओनली देन द वोल्टेज विल लैग बाय 90 डिग्री फ्रॉम करंट. इट मींस वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करेगा या पीछे चलेगा. ओके अब इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं इसके फेजर डायग्राम में. आइए हम देखते हैं इसका फेजर डायग्राम. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाएगा. और हाँ, आप लोग जो है इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, इसको सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और लोगों तक पहुँचे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फेजर डायग्राम ऑफ दिस सर्किट. तो हमारे पास फेजर डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पर एक ग्राफ के तरीके से मैंने बना लिया है. ये वी और आई के ग्राफ को दिखाएगा. ओमेगा टी डायरेक्शन में करंट और वोल्टेज फ्लो होंगी. तो देखते हैं, सबसे पहले हम वोल्टेज को फ्लो कराते हैं. और वोल्टेज इस तरीके से फ्लो होगी, आप लोग जानते हैं. ओके, और जैसा कि इक्वेशन से पता चल रहा है कि इसकी करंट जो है पाई बाई टू डिग्री से लीड कर रही है, तो इसका मतलब वोल्टेज अगर यहाँ जीरो से शुरू हो रहा है तो करंट लीड से शुरू करेगी. इसका मतलब करंट यहाँ से कहीं से शुरू होगी और लाइक दैट. Now the phasor diagram of the current and voltage is like this, and it is the peak value of voltage V naught. It is the peak value of current I naught. अगर graph को देख के समझा जाए, if we can see the graph, तो when जब current जब वोल्टेज जीरो पे है तो करंट उससे देखिए 90 डिग्री परपेंडिकुलरली लीड कर रही है. जब वोल्टेज पीक वैल्यू पे गया तो उस समय करंट आगे बढ़ के जीरो पे पहुंच चुकी थी. और जब वोल्टेज जीरो पे गया तो उस समय देखिए करंट लीड कर रही थी और वो फिर 90 पे पहुंच गई थी. तो आप किसी भी इंस्टेंट पे आप ग्राफ को चेक कर सकते हैं और इस ग्राफ से आप दिखा सकते हैं कि करंट इस कंडीशन में लीड कर रही है और वोल्टेज इस कंडीशन में लैग कर रहा है. इसका मतलब करंट आगे चल रही है वोल्टेज से और वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे चल रहा है. आई होप आप लोगों को फेजर डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलिए और थोड़ी कुछ चीज़ें देख लेते हैं इस सर्किट से जुड़ी हुई. ओके स्टूडेंट्स, अभी इस सर्किट में एक चीज़ और छोटी सी चीज़ बची हुई है जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस सर्किट. नाउ जैसे कि हम लोग सर्किट में इसके पहले जब सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे एक चीज़ आई थी वी नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी. और हम लोगों ने वी नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी को आई नॉट से डिनोट किया था. इट मीन्स आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी. यही वन अपॉन ओमेगा सी को हम लोग इस सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं. कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग एक्स सी से डिनोट करते हैं. इट मींस दैट एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी. एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी मिल गया. ओमेगा की वैल्यू अगर टू पाई एफ रख दिया जाए तो ये एक्स सी बन जाएगा. एक्स सी इज इक्वल टू
1 by 2 pi f c, okay, where f is the frequency and xc is a capacitive reactance और xc is also a resistance. अगर आप लोगों को ये सर्किट अच्छे से समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय प्रवीण पांडे को सपोर्ट करें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और अच्छे टॉपिक्स लेके आता रहूं, इससे आपकी भी हेल्प हो सके और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके, जिससे अगर आप शेयर करेंगे तो और स्टूडेंट्स की हेल्प होगी. कहते आई ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी विद यू एंड ऑल्सो वॉन्ट्स टू हेल्प यू, दैट्स वाई प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो. थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ वेरी नाइस डे. Okay.